हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं और मेरे कुछ फ्रेंड जा रहे हैं नैनीताल। तो नैनीताल ट्रिप का, कानपुर से नैनीताल तक पहुंचने तक का पूरा व्लॉग मैं आपको शूट करके दिखाऊंगा। तो उसके बाद फिर आगे के जो व्लॉग्स होंगे वो नैनीताल में बनेंगे, जो भी बन जाए, 3, 4, 5 जो भी बन जाएंगे वो मैं आपको सारे व्लॉग दिखाऊंगा। तो आज रात को हम लोग लगभग 11 से 12 के बीच अपनी कार से ही जाएंगे। 5 फ्रेंड्स हैं मेरे, मुझे मिलाकर, तो हम सारे 5 इस गाड़ी में आ जाएंगे। 5 लोगों की ही जगह इस गाड़ी में होती है। देखिए, आप पीछे ऑल्टो कार है मेरी, तो उसमें ही आ जाते हैं 5 के 5 लोग। 5 से ज़्यादा, वैसे तो दूर का जो ट्रिप होता है ना, दूर के सफ़र में ज़्यादा लोग होने नहीं चाहिए। मैक्सिमम 4 लोग इस गाड़ी में आ जाते हैं आराम से, लेकिन फिर भी चलो, एक बंदा पतला दुबला है उसमें तो आ जाएंगे। छोटा है ना अभी, वो होगा 18 17 18 साल का होगा अभी, तो पतला दुबला सा है, वो आ ही जाएगा इसमें। बाकी हम सारे तगड़े तगड़े हैं, सारे को आ ही जाएंगे, सारे मैनेज करके निकल जाएंगे। 450 किलोमीटर हमारे यहाँ से लगभग पड़ता है नैनीताल। हम लोग जो नैनीताल में एंजॉय करेंगे उसका सारा वीडियो और ब्लॉग आप तक पहुँचाते रहेंगे, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। हम शाम को निकलेंगे फ्रेंड्स। नैनीताल जाने से पहले गाड़ी के ऊपर एक लगेज कैरियर लगेगा, लगेज स्टैंड लगेगा, क्योंकि सामान हम लोगों के पास ज़्यादा हो रहा है ना, तो मार्केट आए हुए हैं कैरियर लगवाने। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लगता है इस पर कार स्टैंड, जो कार वो लगेज स्टैंड होता है, कैसे लगाया जाएगा, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं भाई हमारे, ये लगेज स्टैंड लगा रहे हैं, फिट कर रहे हैं। आप चारों तरफ से देख लीजिए और कैसा लग रहा है। एक ज़रूरी बात मैं करना चाहता हूँ आपसे कि दोस्त हो तो पुनीत के देखता हो, ये मेरा भाई खड़ा था, वो कल बर्थडे बॉय, जिसका कल बर्थडे था, वो दोस्त हो तो इसके जैसा हो, चाहे ज़्यादा 10 साल बाद मिले, सॉरी 40 साल बाद मिले, लेकिन दोस्त हो तो इसके जैसा हो। ये देखो, ये जो ऊपर लगेज कैरियर लग रहा है ना, भाई ने फाइनेंस किया पैसा, बिल्कुल किया फाइनेंस, भाई ने मेरे दिया पूरा पूरा पैसा, कोई पैसा वापस नहीं करना नहीं बे। तो फ्रेंड्स देखिए, लग गया, ये हमारा लगेज कैरियर लग गया है फाइनली, और अब हम लोग आज रात को 12 बजे नैनीताल निकल रहे हैं, और जब कल सुबह वहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ से निकलने और वहाँ तक पहुँचने का पूरा व्लॉग आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और मैं अब जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। देखता हूँ मैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वैसे तो मैंने उन्हें कॉल कर दिया है कि भाई रेडी रहना, फिर भी कमीने हैं ना, मुझे पता है रेडी नहीं मिलेंगे मुझे। जाता हूँ मैं, देखता हूँ क्या कर रहे हैं ये लोग। फिर अभी हम लोग सब लोग साथ में इकट्ठा होकर नैनीताल निकलेंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में। जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैं जा रहा हूँ उनके घर, देखता हूँ क्या कर रहे हैं। वैसे तो सभी ने कहा हम रेडी हैं, ये महाशय निकल के आए 20 मिनट बाद, ये पुनीत। अब इनके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? बाल सही है मेरे, हीरो बाल कभी खराब नहीं होते, बड़ा सही है। 20 मिनट बाद आए हैं निकल के, ये अभी और लोग को देखने जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, निकलेंगे नहीं निकलेंगे, अभी वो भी कितना समय लगाते हैं। किसी ने सही कहा, दोस्त कमीना ही होता साला। फ्रेंड्स, हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं माधवगंज, लगभग अपने घर से 104 या 114 किलोमीटर मीटर में देखना पड़ेगा। ये महाशय वो आए थे 1.5 घंटे बाद, और ये महाशय निकल के आए अपने घर से, आए 1 घंटे बाद, तो ठीक है, इसलिए मेरा मूड वहां पर ऑफ हो गया था, मैंने आप वहां पर आपको ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, यहाँ पर कर रहा हूँ। अब आगे का फिर हम लोग दिखाएँगे कहाँ पहुँचे, जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ आपको, जहाँ रुकेंगे चाय पानी पियेंगे वहाँ का आपको शूटिंग करके पूरा दिखाते चलेंगे, ठीक है? तो बने रहिए व्लॉग में सुबह तक, उसके बाद धमाकेदार नैनीताल के आपके पास लगातार व्लॉग आते रहेंगे। हम लोग चाय पीने के लिए रुकेंगे, देखिए चाय बन रही है, और चाय वाले भैया हाय कर दो, ओ हाय, कस के बोलो, कस के बोलो, हाय। हाँ, सब देख रहे हैं, पूरी जनता देश की देख रही है आपको इस वक्त, ठीक है? एक अंदर है, ये लंबा हो गया,
अभी से लंबा होगा 100 किलोमीटर में, ये देखो गुड्डू पंडित। टाइम हो रहा है, टाइम बताओ। टाइम अच्छा हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो फ्रेंड्स सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच गए हैं शाहजहांपुर, एक ढाबे पे चाय पीने के लिए रुके हैं। बाकी सारे ये लफंडर हैं हमारे और इधर हमारी गाड़ी खड़ी है। अरे देखा मान तो अच्छे लग रहे हैं। हाँ अभी सुबह का समय है, थोड़ा सा मैनेज करो, कोई बात नहीं। हम लोग चाय पीते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे नैनीताल, फिर सीधा नैनीताल पहुँचने के बाद हम लोग कैंची धाम, जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर इस ब्लॉग का एंड करेंगे, उसके बाद नए सिरे से फिर बनाएंगे। अभी तो आपको लगातार ब्लॉग पे ब्लॉग मिलते जाएंगे, वीडियो पर वीडियो मिलते जाएंगे, बस आग की तरह फैला दो, आग की तरह। और सब्सक्राइबर ठोकी है, सब्सक्राइबर किसकी तरह बताएं, हवा की तरह फैला दो, आग लगा दो, फैला दो पूरे में। तो हम लोग ये वाली चारपाई में बैठेंगे, चारपाई टाइप के स्टूल में बैठेंगे और चाय वाय पी के पराठा वराठा खा के फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइज हम लोग नैनीताल में एंट्री कर चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। भाई बंद कर ले यार भाई जा रहे? खोकट मारते हैं लोग, ब्लॉग बनाने नहीं देते भाई। अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं नैनीताल में, अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग कैंची धाम, और कैंची धाम पहुँच के इस ब्लॉग का एंड करेंगे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं कैंची धाम। क्या कहना चाहते हैं वो क्या कहेंगे ऐसे बताओ, पकड़ो ना ऐसे बताओ कुछ कह ना कहो तुम हम तुम आप लोग। हेलो गाइस, बहुत थक गए हैं यार, आंखें बंद हो रही हैं, आंखें सूजी सूजी लग रही है, देखो ये आंख ना घुसड़ रहा है, देखो सोए नहीं हम लोग, आज सोएंगे बस। फ्रेंड्स फाइनली हम नैनीताल पहुंच गए हैं, नैनीताल में कैंची धाम, बाबा नीप करौरी जी का यहाँ पर आश्रम है, मंदिर है। तो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर लगभग बाबा, उनको नीम करौली भी कहते हैं और नीप करौरी भी कहते हैं, वैसा इसलिए क्योंकि उनके फॉरेनर भी भक्त थे तो वो नीम करौली ही उनके मुंह से निकलता था, तो ऐसे में ही उनका नाम नीम करौली भी पड़ गया। अब यहाँ पर एक के बाद एक मैं आपको व्लॉग यहाँ की चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जितना मुझे पता है या जितना यहाँ पर जानकारी मुझे मिल सकेगी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इस व्लॉग में। तो कट टू कट आपको व्लॉग नैनीताल ट्रिप के मिलते रहेंगे। इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि अगर इस व्लॉग को और ज़्यादा बड़ा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो नैनीताल ट्रिप के मैं वन बाय वन करके आपको जितने भी व्लॉग बनते हैं मैं अपलोड करके आपको देता रहूँगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए।